Hello students, lesson 14, gifts of love. Now see word power. The suffix ish, ish. Suffix means pratyay, prefix means upsarg. Pratyay jo baad mein lagte hain, upsarg jo pehle lagte hain. To ish ko aapko shabd ke baad mein lagana hai. Used to describing people. Logon ko describe karne ke liye ish suffix lagta hai. Use the suffix in different sentences. आपने पहले fat में बनाया fattish, फिर she is fattish. वह मोटी है. Brown से brownish, wheat से wheatish, black से blackish, child से childish. Her hair is brownish. उसके बाल भूरे हैं. भूरापन लिए हुए हैं. आयश वैसे ish इश जो आता है वो पन हिंदी में प्रत्यय होता है. His complexion is wheatish. उसका जो complexion है वो गेहूँ है. The suit is blackish, not grey. Suit जो है वो blackish है, कालापन लिए हुआ है, कालीमा लिए हुए है, grey नहीं है. Her behavior was childish. उसका जो behavior है वो बचकाना है. Now look at the underlined words in the following sentences. Curiously, suddenly, we make adverbs by adding ly suffix. Ly हिंदी में जो ता प्रत्यय होता है तब ly लगाकर बनाया जाता है. Jim looked about the room curiously. Jim ने कमरे को उत्सुकतापूर्वक या उत्सुकता से देखा. Then suddenly she got up. तब अचानक वह जाग गई. Now make more adverbs by adding ly suffix. Attentive, attentively, rapid, rapidly. कुछ नहीं करना है इसमें, बस ly लगा देना है. सतर्कतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक. Quick, quickly, nervous, nervously, fixed, fixedly. Eager, eagerly, loving, lovingly, beautiful, beautifully. Now see the question answers. Important question answers. How did Della save the money for the present? Della ने present के लिए money किस तरह से save की थी? She saved one or two pennies at a time by haggling with the grocer and the vegetable man. उसने एक या दो पैनी, मतलब एक एक पैनी एक बार में सब्जी वाले से और अनाज वाले पंसारी से मोल भाव करके बचाई थी. और शॉर्ट भी आंसर हो, इसका शॉर्ट आंसर हो सकता है शी saved money by haggling with the grocer and the vegetable man. Now second important question, SI short type question. What were the two most prized possessions in the family of Jim and Della? ये बहुत important question है और अक्सर exam में आता है. The two prized possessions in the family of Jim and Della were Della's long hair and Jim's golden watch. डेला के लंबे बाल जो घुटनों तक जाते थे और जिम की गोल्डन वॉच जो उसको पुरखों से मिली थी. ये दो प्राइस पोजीशन गर्व करने लायक बातें उनके फैमिली में थी. ये मूल्यवान संपत्तियां थी, डेला के लंबे बाल और जिम की गोल्डन वॉच. थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द गिफ्ट दैट डेला बॉट. उस गिफ्ट का वर्णन करिए जो डेला ने खरीदा था. इट वॉज ए प्लैटिनम फॉब चेन which was simple in design but was very beautiful. एक प्लेटिनम की जेब घड़ी की चेन थी जो डिज़ाइन में सिंपल थी लेकिन बहुत सुंदर थी. बी साइड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ये. Why was Della first overjoyed and then broke down into tears when she received her gift? Della पहले बहुत ज़्यादा खुश हो गई जब उसको गिफ्ट मिला तो, और उसके बाद फिर आंसुओं में डूब गई. ऐसा क्यों हुआ? ऑन रिसीविंग द गिफ्ट, उसको गिफ्ट क्या मिला था? कंघों का एक सेट. तो कॉम्स गिफ्ट पाकर, मतलब वो कंघियाँ पाकर, शी बिकेम ओवरजॉयड. वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई. बिकॉज शी हैड बीन लॉन्गिंग फॉर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि बहुत लंबे समय से वह उनको पाने के लिए अभिलाषित थी. बट वेन शी रियलाइज दैट द हेयर फॉर विच द कॉम्ब्स हैड बीन नीडेड वर गॉन.
लेकिन जब उसने फिर ये रियलाइज़ किया कि उनके बाल, डेला के लंबे बाल जिसके लिए कंघे ज़रूरी थे, वे बाल अब जा चुके हैं, शी ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स, वह फुट फुट कर रो पड़ी। सी टाइप क्वेश्चन भी बहुत लंबा है और आंसर भी बहुत लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है। डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट मी डेला ही सेड, जिम कहता है कि डेला मेरे बारे में कोई मिस्टेक मत करो, मुझे गलत मत समझो। आई डोंट थिंक अ हेयर कट कुड मेक माई लव फॉर यू एनी लेस, मैं नहीं समझता कि एक हेयर कट तुम्हारे प्रति मेरा प्यार को कुछ कम या ज़्यादा कर सकता है, कुछ कम कर सकता है। बट इफ़ यू अनरैप दैट पैकेज, अगर तुम इस पैकेज को लेकिन अगर खोलो, यू विल सी, तुम देखोगी, वाई आई लुक्ड सो लॉस्ट एट फर्स्ट, कि मैं पहली बार में ही खोया खोया सा क्यों लग रहा था। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिम एंड डेला ऑन द गिफ्ट्स दे ब्रॉट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जिम और डेला जो गिफ्ट लाए, डेला लाए जेब घड़ी की चेन और जिम लाया कंघों का सेट, तो उनका आपको रिएक्शन लिखना है। आपको मालूम है कि दोनों गिफ्ट उनके एक तरह से प्रेजेंट टाइम में किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि जेब घड़ी की चेन लाई लेकिन जिम ने डेला के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए अपनी जेब घड़ी को सेल कर दिया, और जिम डेला के लिए कंघों का सेट लाया तो डेला ने भी अपने लंबे बाल बेचकर जिम की घड़ी के लिए चेन खरीदी थी। तो प्रेजेंट टाइम में दोनों गिफ्ट यूज़फुल नहीं हुए, लेकिन उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो उन दोनों का रिएक्शन वो आपको आंसर में लिखना है। जिम रिसीव्ड द शॉक ऑफ हिज वाइफ, जिम को बहुत गहरा धक्का लगा उसकी वाइफ का, मिस जिम रिसीव्ड द शॉक ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का उसको बहुत गहरा धक्का लगा। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, दैट द गिफ्ट विच ही हैड बॉट आफ्टर सेलिंग हिज मोस्ट प्राइज्ड प्रेशियस पोजीशन, कि उसने गिफ्ट जो उसने अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति को बेचकर खरीदा था, वाज ऑफ नो यूज़, अभी कोई उपयोग का नहीं है, बिकॉज डेला हैड हर हेयर कट, क्योंकि डेला अपने बाल कटवा चुकी थी एंड सोल्ड, और बेच चुकी थी। सिमिलरली, उसी तरीके से, डेला टू वॉज टेरेबली अपसेट, डेला भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। व्हेन शी फाउंड, जब उसने पाया, दैट द गिफ्ट शी बॉट आफ्टर सेलिंग हर मोस्ट प्राइज्ड प्रेशियस पोजीशन, कि अपना सबसे मूल्यवान संपत्ति मीन्स अपने बाल बेचकर उसने जो गिफ्ट जिम के लिए खरीदा था, हैड नो यूज़, उसका भी कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज जिम हैड ऑलरेडी सोल्ड हिज गोल्ड वॉच, क्योंकि जिम अपनी जो सोने की घड़ी थी वो ऑलरेडी उसको बेच चुका था। तो इस तरह दोनों के जो गिफ्ट थे वो उस समय यूज़फुल नहीं रहे, इसलिए दोनों को उस समय बहुत गहरा धक्का लगा। सो कीप लर्निंग।